प्रश्नमाला 9A का क्वेश्चन नंबर अभी हल करेंगे हम लोग, 10, 11 और हो सके तो 12 भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो उसमें है 10 में है 0.071 माइनस 0.9 बटा 0.3x माइनस 0.7। हल करना है इसे, x का वैल्यू निकालना है और चेक बुक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो देखिए तिरछा गुना होगा ये, तो 0.7x माइनस 0.9 बराबर 9 से ये गुना होगा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो 9 से ये दोनों गुना करेंगे, 9 * 27 x, और 1.1 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव देंगे, ठीक है। माइनस 9 * 63, तो यहाँ लिखेंगे 6.3। अब देखिए 0.7x माइनस 2.7x ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2.7x इधर माइनस में हो जाएगा, दाएं से बाएं तरफ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 63 प्लस 0.9। ये देखिए ये इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में 7 गया 0 और 2 में 0 गया 2, यानी 2.0x बराबर, यहाँ पे देखिए 63 में से 9 गया, तो देखिए यहाँ पे 63 नहीं 6.3 है, और उसमें से 0.9 घटाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 6.3 में से 0.9 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास 5.4 माइनस 5.4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 2.7 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस 2.0 होगा, ठीक है। जो भी अंक बड़ा रहता है उसका साइन लग जाता है, तो ये दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 5.4 बटा 2.0। तो यहाँ पे देखिए दशमलव दशमलव खत्म हो गया क्योंकि एक अंक के पहले है, दोनों खत्म हो गया, तो 2 से 54 कितना बार में खत्म होगा, 27 बार में, और यहाँ माइनस माइनस भी खत्म हो गया दोनों का, तो एक्स बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 27, ठीक है। यहाँ भी बस दशमलव को घटाना है और यहाँ भी दशमलव का घटाव है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्वेश्चन उतार दिए हम, 18x बटा x - 13 = 5 है, तो इसको भी हम तिरछा गुना करेंगे, 5 से 5 ऊपर है ये नीचे है, तो तिरछा गुना हो जाएगा, तो 5x - 13 = 65, 5 से 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। 5 * x 5x, 13 * 65 -65, ठीक है। तो 18x - 5x, 5x इधर आ गया दाएं से बायां बराबर -65, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 में से 5 गया तो 13, यानी 13x = -65, ठीक है। तो x बराबर -65 / 13, 13 * 65 यानी -5, माइनस से ऊपर, तो -5 इसका उत्तर होगा। ये अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11/-19 / 13/-5 = 3/5 है, तो ये भी तिरछा गुना करेंगे, तो देखिए 5 से ये गुना होगा ऊपर नीचे और नीचे ऊपर, ठीक है। तो 5 से उसको गुना करेंगे तो 5 5 11 55 / -19 5 9 5 35 5 19 5 कितना होता है, 95। यहाँ लिखेंगे 95 बराबर 3 से इसको गुना कर 33 39 / -5 15, ठीक है। तो देखिए तिरछा गुना कर दिए हैं, 5 से इसको दोनों गुना, 3 से ही दोनों गुना यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए 55 - -39 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा, इधर हो जाएगा तो बराबर -15 + 95, 95 इधर आएगा तो प्लस में, तो 55 में से 39 गया, तो देखिए यहाँ पे 55 में से 39 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 16 16 बाई, प्लस में ये रहेगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, बराबर 95 से 15 गया तो 70, ये भी प्लस में रहेगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, तो 22 = 70/16, यानी 16 * 5 = 70, यानी 5 इसका उत्तर होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया, 5, ये 5 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो ये देखिए 13 का क्वेश्चन ये है, पहले हम
इसको गुना कर लेंगे, उसके बाद तिरछा गुना करेंगे तो 17 से ये दोनों गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 जेड -17 -2 से इस दोनों गुना करेंगे 9 दूनी 18 जेड माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 20 दूनी 40 बटा 11 जेड -1 = 3/2। ठीक है, अब देखिए 34 जेड में से 18 जेड गया कितना होगा वो लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 34 में से 18 गया तो यहाँ लिखेंगे 16 जेड। ठीक है, प्लस में होगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, यहाँ पे 40 में से 17 गया तो यहाँ पे लिखेंगे +23 बटा 11 जेड -1 = 3/2। अब देखिए 2 तिरछा गुना करेंगे तो 2 से ही ऊपर वाला गुना होगा तो 16 दूनी 32 जेड +23 दूनी 46 बराबर, अब 3 से ये गुना होगा तो 11 तिया 33 जेड -3। ठीक है, अब देखिए 32 जेड -33 जेड, 33 जेड इधर आएगा बराबर -3 -46, 46 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 33 में से 32 गया तो सिर्फ जेड बचा बराबर 46 3 -49 -49, और यहाँ पे माइनस जेड बड़ा है 33। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म हो गया तो जेड बराबर कितना आ गया आंसर 49। ठीक है, यहाँ पे देखिए 33 बड़ा है तो माइनस जेड आएगा घट के 1 जेड, तो एक एक नहीं लिखते सिर्फ जेड लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे तो -49 आएगा माइनस माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 14 देख लेते हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन हम उतार दिए हैं, अब पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे उसके बाद तिरछा गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एम -2 से इसको दोनों गुना करेंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2m। ठीक है, बटा लिखेंगे 4 से ही दोनों को गुना करेंगे क्योंकि 4 बाहर है तो 4 -4m -5 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 3/7। ठीक है, तो अब देखिए m और 2m मिलके हो जाएगा 3m -6 और -4m, अब देखिए -5 और 4 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, 5 में 4 गया 1 -1 5 बड़ा है बराबर 3/7। अब तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 से ऊपर गुना करेंगे और 3 से नीचे। ठीक है, तो 7 या 21m -46 बराबर, 3 से नीचे गुना करेंगे तो -12m -3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 21m +12m, 12m इधर आएगा बराबर -3 +42, 42 इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 12m इधर आया तो +42 इधर गया तो माइनस से प्लस। ठीक है, अब 21 और 12 कितना हो गया, 21 10 31 2 33, 33m बराबर 42 में से 3 गया तो देखिए 42 में से 3 गया तो हो जाएगा 39, तो 39 प्लस में ही रहेगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है। अब देखिए यहाँ पे इधर शोध कर लेते हैं, जगह नहीं है। ठीक है, तो 33m बराबर 39 हो गया तो m बराबर कितना हो जाएगा 39/33। ठीक है, 3 से कट जाएगा ये 3 से 13 बार में, 3 से 11 बार में। ठीक है, तो m बराबर कितना आ गया 13/11, तो m बराबर इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 1/2/11। तो देखिए 11 2 13/11 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।